आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं पार्ट 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अगर आप लोग हमारे पार्ट 4 तक नहीं देखे तो पहले उसको देखे, उसके बाद ही वीडियो पे आइए आप लोग। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक भी कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कहने का मतलब एक वैसे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट हो, सभी जगह मौजूद हो। ठीक है, एक वैसा व्यक्ति जो क्या हो, सभी जगह पे मौजूद हो, एक जो हर जगह पे मौजूद हो, एक जो हर जगह पे क्या हो, मौजूद हो मतलब उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीप्रेजेंट बोलते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा नहीं जा सकता, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। चलिए अब आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, एक वैसा आवास जहां पे क्या किया जाए, एरोप्लेन को रखा जाता है। एक वैसा आवास के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे एरोप्लेन को रखा जाता है। आवास हवाई जहाज के लिए जगह, हवाई जहाज के लिए जो जगह होता है जहां पे हम लोग उसको रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हैंगर। क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। चलिए आगे अब नेक्स्ट पे देखते हैं। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, फूलों से काम करता होगा, मतलब कि फूल का कोई भी चीज बनाता होगा, जैसे बकेट है ये सब बनाता होगा, गुलदस्ता वगैरह बनाता होगा, और उसको ले जाकर क्या करता होगा, उसको बिक्री करता होगा। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। हिंदी अर्थ होता है फूल विक्रेता, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिस्ट। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, मतलब वह व्यक्ति जो क्या हो, वह व्यक्ति जो संग्रहालय का प्रभारी हो, वह एक व्यक्ति जो संग्रहालय का प्रभारी हो उसको हम लोग बोलते हैं कुरेटर। क्या बोलते हैं? कुरेटर। ठीक है, हिंदी अर्थ होता है संग्रहालय का अध्यक्ष को बोलते हैं हम लोग, संग्रहालय का अध्यक्ष को बोलते हैं कुरेटर। ठीक है, वह व्यक्ति जो क्या करता हो, प्रभारी हो, किसका? संग्रहालय का प्रभारी हो, उसको हम लोग बोलते हैं कुरेटर। चलिए अब आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। A place where dead body are kept for identification, कहने का मतलब कि वैसे जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक वैसे जगह जहां पे शव को रखा जाता है। शव को क्या किया जाता है? रखा जाता है। किस लिए? पहचान के लिए रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है बाबू? पहचान के लिए रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ग्यू। क्या बोलते हैं? मॉर्ग्यू। हिंदी अर्थ होता है शव पहचान गृह। ठीक है, गृह मतलब होता है घर। चलिए अब आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। अ रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, कहने मतलब एक वैसे दवाइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि क्या हो, बहुत सारे बीमारियों में काम आ सके। जैसे कि अगर हम बात करें पैरासीटामोल का, तो वो एक पेन किलर्स भी है और फीवर वगैरह में भी काम आता है। ठीक है ना, तो सभी रोगों के लिए उपाय, सभी रोगों के लिए उपाय, एक वैसे टैबलेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग जो कि क्या हो, सभी रोगों में काम आ सके। जैसे कि अभी हमने पैरासीटामोल का एग्जांपल लिया, उसको हम लोग बोलते हैं पनीसिया। क्या बोलते हैं? पनीसिया। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन या तो फिर स्टूडेंट हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, एक वैसे व्यक्ति या फिर छात्र जो बिना अनुमति के खुद को कक्षा या फिर कर्तव्य से क्या करता हो, वंचित करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रुएंट। क्या बोलते हैं? ट्रुएंट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, एक जो कई भाषाएं बोलता हो, एक वैसा व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, करेगा मैं एक वैसा व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो पुरानी चीजों का अध्ययन करता हो, पुरानी चीजों के बारे में क्या करता हो, अध्ययन करता हो और उसको क्या करता हो, बेचने में व्यस्त रहता हो। ठीक है ना, किसमें रहता हो, और उसको बेचने में भी, जैसे कि वो अध्ययन कर लिया उसके बाद उसको बेच देता है, पुराना हो जाए उसको बेच देता, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्यूरियन। एंटीक्यूरियन, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है पुरातात्विक। क्या होता है? पुरातात्विक। जैसे नहीं तो पढ़े थे हम लोग कि हड़प्पा में पुरातात्विक खुदाई हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अ पर्सन नॉट श्योर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड,
एक वैसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है, मतलब कि वह बिलीव ही नहीं करता कि भगवान है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं हम लोग? एग्नोस्टिक। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। एक वैसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी समझ हो और अच्छी तर्क शक्ति हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टेल। उसको एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो चोरी करने के लिए घर को तोड़कर घर में क्या कर दिया जाता है, घर में घुस जाता है, मतलब कि घर का जो दीवार वगैरह होता है, जो गेट वगैरह होता है, उसको तोड़कर घर में घुसना, उसको हम लोग बोलते हैं बगलर। क्या बोलते हैं? बगलर। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इन टू द कंट्री। मतलब एक वैसा पर्सन जो हमारे देश में, एक व्यक्ति जो देश में अवैध रूप से सामान लाता हो, मतलब कि वो सामान लाने के लिए, जैसे हीरोइन वगैरह जो हो गया, वो अवैध रूप से ही हमारे देश में आते हैं, ठीक है ना, वो जो सरकार है वो इसको अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो वैसे जो व्यक्ति जो लाते हैं अवैध रूप से, जो हमारे देश में जो सामान लेकर आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्मगलर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्मगलर। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक वैसा व्यक्ति जो धर्म को नहीं मानता हो, एक वैसा व्यक्ति जो किसको नहीं मानता हो, धर्म को नहीं मानता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैगन। क्या बोलते हैं बाबू? पैगन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। लैंड कवर बाय वाटर ऑन थ्री साइड। एक वैसे भूमि के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तीनों तरफ से किससे ढका हुआ हो, पानी से ढका हुआ हो। एक वैसा भूमि जो तीनों तरफ से पानी से ढका हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। एक वैसा भूमि जो तीनों तरफ से पानी से ढका हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी चीज, जब कोई चीज एक सीधी रेखा में चलती हो, जब कोई चीज एक सीधी रेखा में चलती हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। कोई भी वस्तु हो जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम चल रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। एक वैसा व्यक्ति जो कठिनाइयों में भी एक अजनबी की मदद करता हो, मतलब कि वो आदमी से उसको कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह मुश्किल में रहता है तो उसके साथ वह खड़ा होता है और कठिनाइयों में भी उसका क्या करता है? मदद करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सैमरीटन। क्या बोलते हैं? सैमरीटन। चलिए आगे देखते हैं हम इंग्लिश। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस। एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो दो भाषाओं में धारा प्रवाह है, मतलब कि धारा प्रवाह बोलता है, ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत ही अच्छे से बोल लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाईलैंगुअल। क्या बोलते हैं? बाई मतलब ही होता है दो, ठीक है। लैंग्वेज मतलब आप लोग जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अ पर्सन हु नोस मेनी फॉरेन लैंग्वेज। एक वैसा व्यक्ति जो कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान है, एक वैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही विदेशी भाषाओं का क्या है? ज्ञान है, जानता हो, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं?